बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर 9, पाकिस्तान रॉयल स्टैंडर्ड। मूविंग ऑन टू द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी हलाल स्टैंडर्ड। द हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम। तो हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम एब्रीविएशन में HFMS भी कहते हैं। और HFMS डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ये डॉक्यूमेंटेशन है कि आपकी अब स्पेसिफिक पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जितनी भी हमारी सर्विसिंग फैसिलिटीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें फूड प्रोडक्ट्स, हलाल फूड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होते हैं, तो उन सब सर्विसिंग और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, फैक्ट्रीज़, इन सब जगहों को या इन सब जगहों पे जो है स्पेसिफिक हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसी या उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैरी आउट होते हैं। अब तो जो स्टैंडर्ड्स कैरी आउट हो रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम केचप बना रहे हैं तो केचप बनाने का जो पूरा तरीका है तो उसकी अब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, और रिकॉर्ड्स होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो हैं आपने बनाने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो हैं इसलिए आप बनाते हैं ताकि अगर कोई मसला आ जाए या पॉलिसी अपडेट करनी हो तो हमारे पास पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो उसके ज़रिए से हम बेहतर तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उस पॉलिसी में चेंजेस लेके आ सकते हैं, और हम वैसे ही असेस करने के लिए कि इधर हमारा HFMS डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितना अच्छा या इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें हमेशा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से देखें कि देखें, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवन अगर आपने छोटा सा कैफेटेरिया खोला हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने कैफेटेरिया भी खोला हुआ है तो आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड तो चाहिए होगा ना कि आपने मंडे को जी लास्ट मंथ की फर्स्ट को आपने क्या बनाया था, कितने बैच आए थे आपके पास, आपने सेकंड को आपके कितना कितने ऑर्डर्स चले थे, थर्ड को आपके कितने ऑर्डर्स चले थे, उससे क्या होगा फिर आप लास्ट मंथ और नेक्स्ट कमिंग मंथ की सेल्स को आपस में कोरिलेट कर लेंगे कि जी हमारे पिछले मंथ हमने ये फूड ऑर्डर किया था तो हमारी इतनी सेल्स थी, और इस मंथ में हमने ये फूड ऑर्डर किया है या बनाया है तो उसकी हमारी इतनी सेल्स हुई हैं, ठीक है, तो हमारी सेल्स ज़्यादा हुई हैं, कम हुई हैं, प्रॉफिट कितना था, मार्जिन कितना था, तो हर चीज़ में आपके लिए ज़रूरी होता है ये डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ताकि आप अपने अपना बिजनेस असेस कर सकें, आप मैनेजमेंट सिस्टम को असेस कर सकें। तो हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम यही है, HFMS डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्पेसिफिकली यही है कि हम हर प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि हम उसको अपने फूड प्रोसेसिंग सिस्टम को बेहतर कर सकें, और हम ये देख सकें कि इधर हमारा पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स ऑफ हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसी एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो जो आपका हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है उसका पहला क्लॉज ये आता है कि आपके पास जितने भी पाकिस्तानी हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पॉलिसीज़ के, उनकी डॉक्यूमेंट्स हर फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी के अंदर हो, ताकि आपको पता हो कि आपकी स्पेसिफिक हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसीज़ क्या हैं, अगर वो पता होगी तो ही आप इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर फूड फैसिलिटी में जितने भी वो पॉलिसीज़ हैं, फूड सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। फिर उसके अलावा इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने भी प्रोसीजर्स स्पेसिफाई हुए हुए हैं उन प्रोसीजर्स के डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स के आपका जो भी फूड प्रोसेसिंग प्रोसीजर है वो क्या है, तो उसका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके अलावा वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती हैं HFMS अपडेट या इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा वो सब रिकॉर्ड्स जो कि एविडेंस देते हैं कि जी ये स्पेसिफिक हमारी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है
इन HFMS को स्पेसिफिकली और इफेक्टिवली चला रही है और नाफिस कर रही है, तो उसका जो कंट्रोल रिकॉर्ड होगा, ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ सूट आ जाता है या किसी कस्टमर कोई कस्टमर कंप्लेन कर देता है और हमारी फूड अथॉरिटी वहाँ जाके चेक करती है कि जी ये फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्पेसिफिक सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास फिर ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड होगा, प्रूफ होगा कि जी, वो फिर आगे से हमें ये रिकॉर्ड दिखाएंगे कि जी हमारे पास ये रिकॉर्ड है और इसके जरिए से ये बात पता चलती है कि हम जितनी भी अपनी फूड प्रोसेसिंग कर रहे थे वो पॉलिसी के हिसाब से कर रहे थे। देन कम्स वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो कि आपको चाहिए होते हैं कंट्रोल्स डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके वो सारे ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये हमें चाहिए होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिट्रीवल के लिए, रिटेंशन के लिए और डिस्पोजिशन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है कि अब वो डॉक्यूमेंटेशन जैसे फॉर एग्जांपल फाइल कीपिंग, मतलब आपने रिकॉर्ड्स बनाते गए और आप रिकॉर्ड्स बना के 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के, ठीक है, वो बना के आप जहाँ पे सेफ कीपिंग कर रहे हैं, आप उनको रख रहे हैं, जिस भी वेयर हाउस में रख रहे हैं, जहाँ फैसिलिटी में रख रहे हैं, कंप्यूटर फाइल्स में रख रहे हैं, ठीक है, तो वो अल्फाबेटिकली आपके ऑर्डर के हिसाब से वो रिकॉर्ड सेफ हों ताकि उनकी ईजी रिट्रीवल हो सके और वो आपके पास इजीली हो। और दूसरा ये कि पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका जितना भी है कि कौन से रिकॉर्ड्स कब निकाले गए, कहाँ स्टोर हुए हैं और कहाँ पे आपके निकाले, एक तो ये चीज़ आ जाती है और दूसरा ये चीज़ आ जाती है कि हमारा जो प्रोसीजर है पूरा फूड प्रोसेसिंग प्रोसीजर है, ठीक है, तो उस फूड प्रोसेसिंग प्रोसीजर की जितना भी स्टेप्स हैं जैसे कुकिंग, स्टोरिंग, कूलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पैकेजिंग, तो उन स्टेप्स की डॉक्यूमेंटेशन भी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं ये जो हैं आपके लेजिबल होते हैं, रेडिली आइडेंटिफाइबल और रिट्रीवेबल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फूड अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन आके आपसे पूछती है कि हमें अपना प्रूफ दें कि आप अपनी फूड प्रोसेसिंग जो है पाकिस्तानी पॉलिसी, फूड सेफ्टी पॉलिसी और हलाल स्टैंडर्ड पॉलिसी के हिसाब से बना रहे हैं, तो हमें वो रिट्रीव करके दें। तो जो कंपनी है वो ये कहे कि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं बट दे आर नॉट रिट्रीवेबल या आइडेंटिफाइबल, तो ऐसा नहीं कि कंपनी को वो रिकॉर्ड्स इस तरीके से बनाने चाहिए कि अगर कोई अथॉरिटी आके आपसे वो रिकॉर्ड्स मांगे तो उनके लिए, उस अथॉरिटी के लिए उन रिकॉर्ड्स को रीड करना आसान हो और फौरन से रिट्रीव करना भी आसान हो। तो HFMS आपका HFMS डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो है वो ये सिस्टम है जिसमें हर फूड पॉलिसी, हर फूड फैसिलिटी या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इसको HFMS को हम डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके पास, ठीक है, फिर उनके जो इस स्टैंडर्ड के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, फिर उसके बाद उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको उनके पास वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से उन्होंने स्टोर किया, शेल्फ किया और किस तरीके से उन्होंने उनको ऑर्डरली प्लेस किया और कितने टाइम पीरियड के बाद वो रिकॉर्ड्स बनाए, ये सब, और फिर लास्ट में वो रिकॉर्ड्स इजीली रिट्रीवेबल होने चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम। इनके इजी आपके पॉइंट्स ये बनेंगे, डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स ऑफ हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द HFMS, उसके बाद आएगा आपका कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर ऑफ स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड रिट्रीवल एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड देन रिकॉर्ड्स शुड बी रिट्रीवेबल एंड आइडेंटिफाइबल, ठीक है। मूविंग ऑन, ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, अब
जो आपका एचआर होगा, ठीक है, एचआर जो है हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करता है, वो हमारे पर्सनल से डील कर रहा होता है, उन सब से जो कि एचआर डिपार्टमेंट जो है फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जितने पर्सनल होते हैं उनसे डील करता है, और उसके अलावा जो बाहर के पर्सनल होते हैं उनसे डील करता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके पर्सनल, जितने भी आपके काम करने वाले लोग हैं, जो के जिनका इम्पैक्ट होता है हमारे फूड प्रोसेसिंग में, जो हमारा खाने की प्रोसेसिंग हो रही है, फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो रही है, उससे रिलेटेड जितने भी पर्सनल हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब कंपिटेंट मुस्लिम होने चाहिए, ठीक है। उनके पास अप्रोप्रिएट एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग उनके अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, उनके पास शरई एक्सपीरियंस होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए और वेटनरी साइंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही बंदे के अंदर ये सारे स्किल्स होंगे, लेकिन इन सब स्किल्स वाले लोगों का उस फूड इंडस्ट्री में होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर हलाल फूड सेफ्टी सिस्टम बना सकें और उसको इफ़ेक्टिवली नाफिज कर सकें। उसके लिए इन सब का होना ज़रूरी है। वो सब पर्सनल जो फूड को डील करते हैं, वो सब पर्सनल जिनको प्रॉपर तरीके से फूड बनाना आता है, वो सब पर्सनल जिनको पता रहता है कि फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, ठीक है। फिर वो सब पर्सनल जिनको ये पता होता है कि इस्लामिक लॉज क्या हैं, ठीक है, थीके? और फिर लास्ट में वो पर्सनल आता है जिनको टेक्नोलॉजी का पता है, टेक्निक्स का पता है, न्यू टेक्नोलॉजी का पता है कि किस तरीके से हम मशीनरी बना सकते हैं जिसके ज़रिए से हम इस्लामिक शरई लॉ प्रॉपर तरीके से फूड मैनेजमेंट सिस्टम पे अप्लाई कर सकें। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा इनसाइड पर्सनल, ठीक है, कि हम एक इंडस्ट्री के अंदर ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ इंसिडेंसेस में ऐसा होता है कि आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस चाहिए होती है, ठीक है, तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शरिया एडवाइजर्स हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, वेटनेरियंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनकी असिस्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है, और आप उनको बुलाते हैं और आप उनसे हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने उनसे क्या रिकॉर्ड किया। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की कितनी है, मतलब उनका प्रॉपर, अगर आपने उनको बुलाया है, ठीक है, तो आपने उनको क्या अथॉरिटी दी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने उनसे क्या काम लिया, आपने उनसे किस चीज़ पर एडवाइस ली, ठीक है, और उन्होंने क्या वर्क किया आपके साथ, इस सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने उनको बुलाया था उस कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। देन कम्स हलाल कंट्रोल पॉइंट्स। अच्छा, अब हलाल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल इसकी ये देती हूँ कि हलाल कंट्रोल पॉइंट्स वो होते हैं जिनके ज़रिए से आपको पहले से, फॉर एग्जांपल अगर हम केचप की बात करें, ठीक है, या चलें हम मिल्क की बात कर लेते हैं कि मिल्क जो है वो फार्म से आता है, ठीक है, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाके उसको प्रॉपर पास्चराइज किया जाता है, ठीक है, पास्चराइज जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, ठीक है, और उसको 15 टू 20 मिनट्स करना है, या फ्लैश पास्चराइजेशन करनी है, सेकेंड्स की करनी है या घंटे की करनी है, फिर उसका कूलिंग पीरियड कितना होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको कूलिंग के बाद चिल करके उसके अंदर स्टेबलाइजर्स डाल के उसको पैकेजिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें हलाल आपके आपके कंट्रोल पॉइंट्स क्या होंगे? कंट्रोल पॉइंट्स ये हैं कि जो दूध है वो प्रॉपर 60 डिग्री सेल्सियस पे ही पकना चाहिए, पास्चराइज होना चाहिए। अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉयल नहीं करते हैं, पकाते नहीं हैं, या उससे उससे लोअर टेम्परेचर पे पकाते हैं, तो कंटेमिनेशन का खतरा और फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ का खतरा हो सकता है। तो ये एक आपका कंट्रोल पॉइंट हो गया। कंट्रोल पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे खतरा हो सकता है फूड के अंदर कोई ना कोई कंटेमिनेशन का, या फूड की सेफ्टी का, या फूड में टॉक्सिसिटी ऐड होने का, या फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने का, ठीक है। तो ये वो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर यहाँ पे कंट्रोल अप्लाई किया जाता है ताकि
आपका जो है फूड वो प्रॉपरली कुक हो सके। तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम केचप की बात करें तो केचप में हम ये कहेंगे कि ये प्रॉपरली चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, या फिर ये कि जब हम इसे वॉश कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई डर्ट पार्टिकल नहीं ऐड होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हलाल कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, हलाल फूड के प्रोडक्शन के टाइम पे हलाल कंट्रोल पॉइंट्स आपने इस्टेब्लिश करने हैं। हलाल कंट्रोल पॉइंट्स क्या हैं? वो सारे पॉइंट्स जिन पे मतलब कंटेमिनेशन का या फूड की सेफ्टी की कॉम्प्रोमाइजेशन का खतरा हो सकता है, वो पहले से आप आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पे आप कंट्रोल अप्लाई करें। मतलब आप चेक करें प्रॉपरली कि इधर वो खाना उतने ही टेम्परेचर पे कुक हो रहा है या ठंडा हो रहा है, या उसमें प्रॉपर स्टेबलाइजर्स डाले जा रहे हैं, या उसमें प्रॉपर जो है आप कह लें कि शेल्फ लाइफ जो है उसकी कितनी आइडेंटिफाई हो रही है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। देन कम्स हलाल फूड प्रोडक्ट सोर्स शेल बी आइडेंटिफाइड थ्रू प्रोडक्ट रियलाइजेशन। अच्छा अब जो है ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होता है। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं और वो फूड प्रोडक्ट ख़राब होता है या एक्सपायर्ड होता है, या उसके अंदर कोई ना किसी फूड कंटेमिनेंट का खतरा होता है, या वो खा के आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कंप्लेन करेंगे, ठीक है। आप अपनी रियल्टर को पास या आप अपने मार्केट में जाके कंप्लेन करेंगे, ठीक है, या फिर आपने वो जो प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट के ऊपर बैच नंबर भी लिखा होता है, ठीक है, या वो फैक्ट्री नंबर होता है, नंबर होता है, तो आप कॉल करते हैं और कॉल करके आप कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इजीली वो जो फूड प्रोडक्ट है उसको हम इजीली ट्रेस बैक कर सकते हैं। तो अगर वो जो बैच है हमें पता चल जाएगा, फैक्ट्री वालों के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है जी ये बैच जो है इस दिन डिस्पैच हुआ था, इस जगह पहुंचा था, इस हमारी जो है ट्रांसपोर्ट वैगन या जो भी फैसिलिटी है उसके जरिए से पहुंचा था, इस दिन ये कुक हुआ था, और इसमें इतने जो है रॉ मटेरियल्स यहाँ कहाँ से आए थे हमारे, ठीक है। तो वो प्रॉपर उनके पास ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसे होता क्या है कि हम इजीली हलाल फूड प्रोडक्ट की सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें और भी इजी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई कैंडी खाते हैं और हम कहते हैं, हम देखते हैं कि ये कैंडी कहाँ से आई है, वी जस्ट वॉन्ट नो, ठीक है। तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसको चेक करेंगे तो वहाँ पे जो है इजीली फैक्ट्री का नाम लिखा होता है, फैक्ट्री का एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, और फिर साथ में बैच नंबर भी लिखा होता है। तो आप इजीली जो है वहाँ से आप जो है फैक्ट्री जा सकते हैं, आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि जी हमारा फलाल फूड प्रोडक्ट जो है इस जगह से आया है, ठीक है। तो हलाल फूड प्रोडक्ट की सोर्स जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, ठीक है। तो उससे जो है हमारे प्रोडक्ट की जो है पता चल जाता है कि उसके रॉ मटेरियल्स कौन से थे, डिलीवरी रिकॉर्ड क्या था, मतलब हम वो पूरा 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 का पूरा हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस इट बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट के किस तरीके से पूरा प्रोसीजर था, हम हर एक पॉइंट को ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा तो ये तो हो गया हमारा ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। तो हमारा जो ये ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है इस तरह का हमारा बिल्ट अप होना चाहिए, फूड इंडस्ट्रीज को इस तरह का ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बनाना चाहिए कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे इमीडिएट सप्लायर्स कौन से थे, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से थे, और हमारा जो इनकमिंग मटेरियल था वो क्या था। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कैचअप खराब थी, केचप के बारे में कंप्लेन आई है, ठीक है, तो वो इजीली उस बैच के जरिए से आइडेंटिफाई कर सकें कि उन्होंने उनको जो टोमेटोज मिले थे वो उनका जो सबसे पहला सप्लायर था वो कौन सा था। तो और दूसरी बात ये है कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई थी, या ये कि जो उनका इन्होंने इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो कहाँ गया है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया। हमारा ट्रेसिबिलिटी सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि शुरू से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी की पूरी उसकी पूरा का पूरा उसका ट्रेस आपके पास होना चाहिए। देन कम्स ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड्स शेल बी मेंटेन्ड फॉर अ डिफाइंड पीरियड। अच्छा तो अब जितने भी हम ये बैचेस बनाते हैं, ठीक है, तो इनका एक डिफाइंड पीरियड होता है कि
उस डिफाइंड पीरियड तक वो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रिव्यू रिव्यू के बाद, असेसिंग के बाद जो है वो रिकॉर्ड्स डिस्कार्ड किए कर दिए जाते हैं। तो रिकॉर्ड्स को ये भी आपने एक टाइम स्पेसिफिक टाइम आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कितने टाइम तक दोज रिकॉर्ड्स आर यूजेबल। फिर उसके बाद जो है उनकी इनिशियल मतलब माइनर डिटेल्स के अलावा मेजर डिटेल्स रख देते हैं, और माइनर डिटेल्स जैसे ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है, इस तरह की डिटेल्स कहाँ से आया, कब क्या किस दिन आया, इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो साल बाद, 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, कब, अगर आपकी बड़ी फैक्ट्री है तो वो रिकॉर्ड जो है रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डिफाइन किया जाता है वो इसीलिए होता है ताकि अगर कोई पोटेंशली हार्मफुल प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी इजीली विथड्रॉल हो सके, उसका इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कहाँ से आया था। और ये जो हम टाइम डिफाइन करते हैं, ये हम टाइम डिफाइन करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और उसके अलावा हम इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कितनी टाइम पीरियड में, अक्सर ऐसा होता है कि हम टाइम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक का, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होता तब तक आपके पास उसका रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो दीज आर योर हलाल कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। देन कम्स इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उनके पास जो है प्रॉपर एक, आप कह लें कि एक प्रॉपर उनके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, इसी तरह के अगर कोई अगर अचानक उनको कॉल आ जाती है बाहर की अथॉरिटी से कि हम आके आपको चेक करने लगे हैं, ठीक है, तो उनके पास जितने भी रिकॉर्ड हैं वो ईजिली रिट्रीवेबल हों। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या आपकी प्रोडक्शन लाइन के दरमियान में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनके पास जो है प्रॉपर उनके पास एक मेथड होना चाहिए कि वो किस तरीके से उस जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे और उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट किस तरीके से कम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बॉटल्स टूट जाती हैं, ठीक है, तो उनको ये देखना होगा कि जो बॉटल्स टूटी हैं कहीं एक या दो अगर बॉटल्स टूटी हैं ड्यूरिंग पैकेजिंग, तो उनको ये देखना होगा कहीं ये ना हो कि बॉटल्स के जो शार्ड्स हैं वो बाकी फूड प्रोडक्ट के अंदर ना चले जाएं, ठीक है। और तो इस तरह की पूरा जो है उनके पास एक प्रॉपर जो है इमरजेंसी के रिस्पांस पे जो है उनके पास प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड रखे होते हैं, ठीक है, और उनके पास पर्सनल होते हैं जिन्हें जिनको उन्होंने ट्रेन करना होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या एक्सीडेंट हमने हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से इम्पैक्ट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसका जो है प्रॉपर उनके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। देन कम्स इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है वो क्या कहते हैं क्लास होती है, तो क्लास में अगर मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, दैट इज़ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। फिर उसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम होता है तो यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है, आपका कॉलेज आपका एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, दैट इज़ एन एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट्स ये होते हैं कि जो आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, अब वो फूड इंडस्ट्री जो है उसके डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के ऊपर एक और ऑफिस होता है, फिर उसके ऊपर एक और ऑफिस होता है, ठीक है। तो डिफरेंट आपकी जो है आप कह लें अथॉरिटी बनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो आप जो है फैक्ट्री जो है वो खुद से इंटरनल ऑडिट्स कराती रहती है, टॉप मैनेजमेंट जो है फैक्ट्रीज में जाती हैं, वहाँ जाके वहाँ के उनके पर्सनल से वहाँ के मैनेजमेंट से पूछती है कि जी काम कैसा जा रहा है, फूड मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, फूड सेफ्टी सिस्टम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जाके फिर टेस्ट करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनका वे ऑफ वर्क देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल ऑडिट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल ऑडिट्स प्लान्ड इंटरवल्स पर करती है, ठीक है, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन कम्स मैनेजमेंट रिव्यू। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सबसे ऊपर बोर्ड ऑफिस आता है, सीईओ ऑफिस आता है, ठीक है, तो वो जो है एचएफएमएस को इंटरवल्स के साथ रिव्यू करते हैं ताकि देखा जा सके कि कितनी एडिक्वेटली इफेक्टिवली जो है एचएफएमएस को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। ये रिव्यू जो होता है ये असेस करता है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और कहाँ कहाँ जो है उनका काम अच्छा जा रहा है और कहाँ कहाँ जो है चेंज कर सकते हैं हम एचएफएमएस को
अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। फिर जो है ये सब जो आप चेक करते हैं, मैनेज करते हैं, इसके भी आपने अलग से रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। जी आपने चेक किया, आपने क्या चेक किया, क्या आपको बीच में गलतियाँ लगी, क्या आपको सही लगा, तो वो सब जो है आप चेक करते हैं और उसका भी आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड बनाते हैं। देन कम्स इम्प्रूवमेंट। अब जो है हम इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से करते हैं कि हम बार बार असेस करते रहें, खुद से चेक करते रहें, जहाँ गलतियाँ उनको ठीक करें और बेहतर करें। तो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ के क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स अलग से बनाए जाते हैं, और जैसे कि नाम इंक्लूड करता है, वो इसलिए होते हैं ताकि कॉन्टीन्यूअली वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें, वो ये देख सकें कि HFSM सिस्टम कितना अप्लाई हो रहा है, फूड सेफ्टी सिस्टम कितना अप्लाई हो रहा है, काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रॉ मटेरियल्स कितना आए थे, प्रोडक्ट कितना बना, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम जो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो है हलाल मैनेजमेंट सिस्टम की कर सकते हैं थ्रू क्वालिटी पॉलिसी, ठीक है। क्वालिटीज़ के, फूड क्वालिटी के बारे में डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाए जाएं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएं कि हम क्यों ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ऑडिट्स करें हम और उनके रिजल्ट्स चेक करें, फिर डेटा को एनालाइज करें, ठीक है, और फिर हम उस डेटा की एनालिसिस की बेस पे हम करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस करें, ठीक है। अगर कोई गलती है तो उसको हम ठीक करें, अगर वो गलती आई है तो फिर हम फ्यूचर में वो गलती ना हो उसके लिए डिफरेंट प्रिवेंटिव ऑप्शंस लें, ठीक है। और मैनेजमेंट को बार बार रिव्यू करें कि इधर मैनेजमेंट प्रॉपरली अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देन कम्स करेक्टिव एक्शन, कि अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि गलत है या सही नहीं हुआ, या कि कहते हैं सही तरीके से काम नहीं हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऐसा कोई एक्शन नज़र आता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस एक्शन को एलिमिनेट करे और उस तरह की फिर से अप्रोप्रिएट जो है वो एक्शंस ले, ताकि फर्दर फ्यूचर में इस तरह का आपका मिस्टेक ना आए, ठीक है। देन कम्स प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है वो यही होता है कि पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज जो हैं उनके कॉजेज देखें और उनको आगे प्रिवेंट होने से रोकें, और हम ये देखें कि पोटेंशियल क्या रिस्क हैं उनको हम एलिमिनेट करें। देन कम्स वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यही है कि हम पहले से प्लान्ड अरेंजमेंट्स बनाएं, ठीक है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हम आउटपुट्स को वेरीफाई कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा हम उनके स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स बनाएं, ठीक है, कि हमने जी वेरीफाई कर लिया, हमने देख लिया ये सही था नहीं था, जो भी था तो वो वेरिफिकेशन हो गया। और वैलिडेशन ये होता है कि आप पहले से प्लान्ड अरेंजमेंट्स बनाते हैं, देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली जो इंटेंडेड यूज़ है उसका वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर उसके अलावा जो है हम प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन या प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले हम वैलिडेट कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं ठीक है, और फिर हम उसके रिजल्ट्स बना लेते हैं, मतलब खुद से चेक कर लेते हैं एक बारी कि आपका जो प्रोडक्ट था वो ठीक था कि नहीं था, या जो भी आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो वैलिडेट हो गया, उसकी चेकिंग हो गई, प्रॉपरली एसेस हो गया, उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि जी इट्स सेफ। सो दिस इज इट फॉर टुडे। We'll continue again from the next documentation system.